हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि ये उषा का मिक्सर ग्राइंडर जो है अगर प्रॉब्लम होता है कुछ भी तो इसमें किस तरीके से बना सकते हैं वो देखने वाले हैं। ये हमारे पास उषा का मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है। ये जो है 500 वाट का है, ठीक है। और इसमें क्या, ये मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है। इस मिक्सर मशीन का ये आर्मेचर जो है वो ख़राब हो गया था, ये देख सकते हैं। यहाँ से जो मिक्सर जो है यहाँ से टूट चुका है, ठीक है। ये भी सही दिख रहा होगा, ये जो लाइनिंग इस तरीके से दिख रहा है आजू बाजू में, ये यहाँ पे टूट चुका है। तो इस ये रिपेयर नहीं होता है, इसके जगह पे एक नया आर्मेचर लगेगा, ठीक है। तो मार्केट से हम आर्मेचर लेके आ गए हैं। ये हम नया आर्मेचर मार्केट से ले लिए हैं जो कि बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाता है मार्केट में। ये हमारे पास है आफिया का आर्मेचर, ठीक है। आफिया कंपनी का है जो कि 100% कॉपर देती है, ठीक है। और ये चलिए आपको आर्मेचर दिखाते हैं। ये नया वाला आर्मेचर है, ये नया वाला आर्मेचर ले लिए हैं। और इसके साथ जब भी आर्मेचर अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो मोटर कपलिंग जो होता है, ये मोटर कपलिंग है हमारा, ये भी अलग से ले लिए हैं। ये मोटर कपलिंग लेना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये पुराने वाला अगर पुराना हो गया हुआ है तो कभी भी टूट सकता है। तो आप अगर आर्मेचर नया चेंज कर रहे हैं तो कपलिंग भी नया ले लें। ये जो आर्मेचर है इसका जो कपलिंग है ये पुश वाला है। ग्राइंडर में जो कपलिंग होता है मोटर कपलिंग वो इस तरीके का होता है, एक होता है पुश करके बैठाने वाला, ये पुश करने वाला है क्योंकि नया हमने ये नया आर्मेचर लिया है तो इसमें पुश करके बैठाने वाला ये रोटर है, तो इसके लिए हमको ये नया लेना पड़ा है, ठीक है। और इससे पहले वाले जो आर्मेचर है, इससे पहले वाले जो आर्मेचर है इसमें ये थ्रेड वाला है। इससे पहले जो आर्मेचर था इसमें ये थ्रेड वाला था जो कि आपको ये घुमा करके खोलना पड़ता है। इस तरीके से ये ऐसा घुमाएंगे तो ये खोलना खुलेगा। अगर आपका ये जो कपलिंग है इस तरीके से थ्रेड वाला है जो कि घुमा करके खुलेगा, तो अगर आपका कपलिंग कभी टूट जाता है मशीन ने यूज करते करते, अगर ये कपलिंग यहाँ से टूट जाता है तो आप कपलिंग भी आराम से चेंज कर सकते हैं घर पे, ठीक है, किसी मिस्त्री के पास जाना नहीं पड़ेगा। और ये एक होता है ये थ्रेड वाला और एक होता है ये पुश वाला। तो चलिए हम ये आर्मेचर लगा के आपको दिखाते हैं, क्योंकि आर्मेचर हम नया लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने कार्बन ब्रश भी नया ले लिया है, क्योंकि कार्बन ब्रश ख़राब होने की वजह से ही आर्मेचर का जो ये जो प्रॉब्लम आया है, ये जो यहाँ से डैमेज हुआ है वो कार्बन ब्रश के ही कारण हुआ। तो हम नया जब आर्मेचर लगा रहे हैं तो उसमें कार्बन ब्रश भी नया लगाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहिए, हम आपको आगे दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो बैक साइड में 4 स्क्रू है इसको हम खोल लेंगे। पीछे का बैक पैनल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये बेस आपका ओपन हो जाएगा, बेस ओपन होने के बाद ये आप मोटर जो है सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये आर्मेचर सेट करने के लिए ऊपर यहाँ ये सेट खोलना पड़ेगा। तो ये सेट खोलने के लिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 4 स्क्रू है, 2 दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये 4 स्क्रू खोलना पड़ेगा, तो ये जो आगे का ये बड़ी है वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ये 4 स्क्रू खुल गया है। ये 4 स्क्रू खोलते ही ये जो आगे का ये जो पैनल है ये बाहर साइड हो जाएगा। तो इसको हम अलग रखते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखिए, ये है सिलेक्टर स्विच जो कि स्पीड कम ज़्यादा और ऑन ऑफ करने का काम करता है। और ये है रेसेट बटन, ठीक है। कभी अगर लोड पे चलते चलते अगर ट्रिप हो जाता है, मशीन बंद हो जाता है, तो इसको रेसेट करने से वापस मशीन चालू हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दो साइड देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन लगता है जो कि ये आर्मेचर
आर्मेचर में यहाँ पे टच होता है और इसको आर्मेचर को घुमाता है, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन का स्लॉट है, ये यहाँ से और यहाँ से कार्बन किस तरीके से लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्मेचर लगाने का देखते हैं। आर्मेचर के लिए देखिए, ये बोल्ट पे दिया हुआ है और ये बोल्ट जो है, ये जो हमारा ये वाइंडिंग है, ये जो कॉयल है, कॉयल के साथ फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बोल्ट को खोलेंगे और ये जो हमारा आर्मेचर का लॉक है ये ओपन करेंगे। देख सकते हैं ये दो स्क्रू खोल दिए हैं। एक दो स्क्रू खोलने के बाद ये दो स्क्रू खोलने के बाद ये हमारा कॉयल है ये बाहर आ गया है, ठीक है। तो ये इस कॉयल के बीच में ये आर्मेचर फिट होता है। तो उससे पहले हम इसमें कार्बन जो यहाँ सामने आ गया हुआ है उस कार्बन को सबसे पहले हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर यहाँ तक फिक्स होना है। तो सबसे पहले इस कार्बन को हम निकाल लेते हैं। तो कार्बन को निकालने के लिए आप ये देख रहे हैं, ये जो पिन है, इस पिन को अंदर की तरफ पुश करना है। अंदर की तरफ पुश करने के बाद ये जो बीच में लॉक है, लॉक को किसी टेस्टर या किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको दबाना पड़ेगा। तो ये लॉक जैसे यहाँ पे दबाएंगे, ये देख रहे हैं, ये जिस तरीके ये जैसे ही यहाँ दबाएंगे ये बाहर आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम बाहर निकाल लेंगे और कार्बन ब्रश को हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि कार्बन ब्रश ये ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले इस कार्बन ब्रश को हम बाहर कर लेंगे। ये हमारा कार्बन ब्रश टूट चुका है, तो हम इसको सबसे पहले बाहर निकाल दिए हैं। और दूसरे साइड का भी कार्बन ब्रश जो है, ये स्प्रिंग है इसका, और दूसरे साइड का भी कार्बन ब्रश सेम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये जो आपको लॉक दिख रहा है, इस लॉक को हल्का पुश करना है और बाहर खींच लेना है, ठीक है। ये भी कार्बन ब्रश डैमेज हो चुका है, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा कार्बन ब्रश जो कि ये देखिए डैमेज हो चुका है, तो इसको हम बाहर निकाल लिए। इसके जगह पे हम नया कार्बन लगाएंगे और सबसे पहले हम इसमें आर्मेचर फिक्स करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें आर्मेचर फिक्स कर लेते हैं। तो आर्मेचर का जो ये जो है ये डाउन साइड है और ये सब ऊपर साइड में रहता है, जिसमें यहाँ पे एक कपलिंग लगेगा जो कि ये जार जो है जार को घुमाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे इसमें लगा लेते हैं ऊपर में, इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है। और उसके बाद हमको ये जो कॉयल है, कॉयल इसमें लगा लेना है। कॉयल में देख रहे यहाँ पे और इस साइड में, दो साइड में स्क्रू लगना है, जो कि यहाँ और यहाँ पे स्क्रू है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको बैठा लेना है पहले। कभी भी कार्बन कॉयल लगाने के बाद ही आपको कार्बन लगाना है, क्योंकि पहले अगर कार्बन लगा लेंगे तो फिर कॉयल नहीं लग पाएगा, क्योंकि कार्बन लगाने के बाद कार्बन का इस यहाँ तक कार्बन आ जाएगा, उसके बाद इसमें कॉयल नहीं लग पाएगा। तो कभी भी कॉयल लगाने के बाद ही, या कॉयल अगर लगा हुआ है आपको सिर्फ कार्बन चेंज करना है, तो फिर लगे लगे में उस तरीके से पिन दबा करके निकाल के यहाँ से कार्बन लगा सकते हैं। हम ये साइड देख करके, लॉक साइड देख करके इसमें हम लगा लेंगे पहले। ये दोनों बोल्ट को अच्छी तरीके से इसमें टाइट कर लेना है, ठीक है। देखिए ये अभी जाम है, जब चलेगा तो ये फ्री हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। अच्छी तरीके से टाइट कर लिया, ठीक है, ये अच्छे तरीके से टाइट हो गया है। और अब इसमें हम कार्बन लगाएंगे और उसके बाद इसको चला करके देखते हैं। कार्बन लगाने से पहले सबसे पहले हम इसका जो अप साइड में, फ्रंट साइड में जो बॉडी है उसको हम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्बन लगा के आपको बताते हैं। ये हमारा ऊपर
का जो आर्मेचर और ऊपर का जो बॉडी है वो पूरा फिक्स हो गया है, और इसमें लास्ट काम बच गया है अभी कार्बन लगाने का। तो कार्बन लगाएंगे और उसके बाद आपको चालू करके दिखाते हैं। कार्बन का देख रहे हैं यहाँ जो स्लॉट है, इसमें कार्बन इस स्लॉट में लगा देना है। ये अंदर लगाने के बाद, क्योंकि इसमें स्प्रिंग है तो थोड़ा पकड़ के इसको एक उंगली से इस स्प्रिंग को पकड़ के, और दूसरा जो इसमें जो गैप हमने आपको पहले दिखाया था उस गैप में इसको इस पिन को लगा देना है, जो कि इसको कार्बन जो है कार्बन को बाहर नहीं निकलने देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रेस करके छोड़ देना है। अब ये स्प्रिंग जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हम लगा देते हैं, सेम इसी तरीके से दोनों साइड में लगा देना है। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको ये चालू करके बताते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले कनेक्शन वायर को बोर्ड में इस बोर्ड में लगा करके और देखते हैं चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेंगे ये ऑफ पोजीशन पे है, हम इसको चालू कर लेते हैं। देख सकते हैं ये चालू हो गया। ठीक है, काम कर रहा है। अब इसमें हम कपलिंग लगा देते हैं, और कपलिंग लगाने के बाद आपको फाइनल पैक करके चालू करके बताते हैं। टाइट करने के बाद हम इसमें कपलिंग लगाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये कपलिंग में ये जो देख रहे हैं ये घाट बना हुआ है, इसी तरीके से इसमें बना हुआ है, और इसको इस पे रख के और सिर्फ पुश कर देना है इस पे। इसको इस तरीके से पुश कर देना है। ये हमारा मशीन रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको हम चालू चलिए अब इसको चालू करके देखते हैं। ठीक है, कपलिंग लग चुका है, और इसको चालू करके फाइनल चेक कर लेते हैं।